असलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जा रहा है GT501 का कोई ग्रैंड क्विज, जो कि 1 जुलाई 2021 को हो रहा है, और इस वीडियो का लाइव रिकॉर्डिंग आपके साथ। और जो करेक्ट आंसर हो गया, कोई मिस्टेक होती है तो उसका आंसर आप इसके कमेंट सेक्शन में देख लीजिए वीडियो वीडियो के। चले जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्विज। चले जी। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अबाउट द कन्वीनियंस डायमेंशन ऑफ रेटर। कन्वीनियंस क्या है कि जी, सर्विस पर्सनल रिएक्ट क्विकली और ऑल आइटम्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, सर्विस प्रोवाइडर इज रिलायबल, सर्विस इज ईजी टू ऑब्टेन। तो जनाब इसको यहाँ पे लॉक कर देते हैं, बहुत सिंपल है। तो जी इसको लॉक किया जा रहा है ऑप्शन चौथे को, और ये ले जी। सेकेंड क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरनल कस्टमर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इम्प्लाइज को इंटरनल कस्टमर्स कहा जाता है, इम्प्लाइज को लॉक कर देते हैं और हम आगे चलते हैं। और जी, ट्रेडिशनल अप्रोच मोटिवेशन इज ऑफर एनालॉगस टू विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल। एनालॉगस टू विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल, ट्रेडिशनल में वही बुरा भला कहा जाता है इम्प्लाइज को, तो थ्योरी एक्स में भी कहा जाता था, तो हम इसको थ्योरी एक्स चौथा ऑप्शन ले लेते हैं। वो कहते हैं जी बड़े बुरे होते हैं जी लोग, ये काम सही नहीं करते। चलिए इसको हम लॉक कर देते हैं थ्योरी एक्स को, और हम आगे चलते हैं। तगुची अप्रोच, तगुची मेथड्स एम्फसाइज कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस्ड वेरिएशन। वेरिएशन का कहता है कि रिड्यूस वेरिएशन पे बात करता है तगुची, कह रहा रोबस्ट डिजाइन होना चाहिए, वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, तो वेरिएशन को लॉक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जुरान डिफाइंस क्वालिटी एज फिटनेस फॉर यूज, दिस कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू हाउ मैनी कैटेगरीज। तो इसका हम ऑप्शन लेंगे जी, 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है ये, और इसको हम कर देते हैं लॉक। ठीक है जी, और ये कर दिए लॉक। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, टोटल ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस कैन बी डन फॉर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, प्रोडक्शन पीपल, फाइनेंस पीपल, मार्केटिंग पीपल, ऑल स्टाफ मेंबर्स वाला ऑप्शन हम लेंगे, तो इसको लॉक कर देते हैं, और ये आ गया हमारा जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, साइपोक डायग्राम इज टिपिकली यूज एट दी ऑफ द सिक्स सिग्मा डिबाइक प्रोसेस। कंट्रोल फेज, बायर फेज, डिफाइन फेज, एनालाइज फेज इज यूज एट दी। तो ये होता है जी बायर फेज के ऊपर, हम इसको लॉक कर देते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, कस्टमर कंप्लेंट्स एंड प्रोडक्ट रिकॉल्स आर एग्जाम्पल ऑफ दी विच ऑफ दी फॉलोइंग कॉस्ट। जी ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, चले जी इसको भी हम कर देते हैं लॉक। और अच्छा जी, क्वालिटी रिकॉर्ड्स शुड बी एनालाइज टू प्रोवाइड इनपुट्स फॉर विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शंस। एनालाइज क्वालिटी रिकॉर्ड शुड बी एनालाइज टू प्रोवाइड इनपुट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑल ऑफ द गिवन प्रोसेस इंप्रूवमेंट, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शंस। तो हम इसको ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन लॉक कर देते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु स्ट्रेस्ड दैट सिस्टम्स मस्ट बी फोकस्ड टुवर्ड्स अ पर्पस। डेबिक, इशिकावा, क्रॉस पर, तगुची। तो इसको हम लेते हैं डेबिक, डेबिक वाला ऑप्शन लेते हैं और इसको लॉक कर देते हैं। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू इशिकावा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटी। ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन में क्वालिटी इंफॉर्मेशन, क्वालिटी ऑफ प्रोसेसेस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। डेरो के अंदर प्रोडक्ट का जिक्र करता है, और ब्रॉडर के अंदर ये काफ़ी चीज़ों का जिक्र करता है, तो हम ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन ले लेते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू इशिकावा, इशिकावा का बड़ा फैन अभी आज ये सारे क्वेश्चन शिकावा के दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द डेरो इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटी। वही जो प्रोडक्ट का भी जिक्र कर रहा था, ये क्वालिटी प्रोडक्ट डेरो इंटरप्रिटेशन पे जिक्र करता है उसका, तो इसको लॉक कर दें। तो ये लीजिए, क्वालिटी प्रोडक्ट लॉक कर दिया हमने। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी लीडर सेड दैट प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट,
प्रोसेस इम्पोर्टेंट है बट द पर्सन बिहाइंड द प्रोसेस मोर इम्पोर्टेंट। तो ये वाला काम जो है एडवर्ड डेबिक ने किया था। तो हम ऑप्शन लेते हैं जी एडवर्ड डेबिक साहब का, तो एडवर्ड डेबिक साहब ने ये काम किया होगा, वो ही कह रहे थे बंदे अच्छे होते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑर्गेनाइजेशंस दैट यूज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी एज अ सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉस्ट लीडरशिप है, अगर कॉस्ट लीडरशिप है तो हाई कॉस्ट ऑफ मेच्योर प्रोडक्ट्स, अचीविंग इकोनॉमी स्केल, फाइंडिंग कॉस्ट एडवांटेज। डेफिनेटली अगर कॉस्ट लीडरशिप है तो सारे ऑप्शन लेगी। तो हम जी ऑल ऑफ द अबव लेंगे ऑप्शन और इसका करेंगे हम लॉक। अच्छा जी, इन टी क्यू एम व्हाट डज दी एक्रोनिम एम बी एन क्यू ए स्टैंड फॉर। ये था जी बेलकम बेल्डिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड। बड़ा जी सोखा है ये, तो इसको लॉक कर देते हैं। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ प्रोसेस। नेचुरल पार्ट ऑफ प्रोसेस, कॉमन काजेज ऑफ सिमिलैरिटीज, रेयर कॉमन काज ऑफ वेरिएशन। यस ऑप्शन बी, तो इसको लॉक कर देते हैं जी, कॉमन काजेज ऑफ वेरिएशन को ये ले जी। ले जी क्वेश्चन है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज आइडेंटिफाइज अंडरस्टैंड एंड मैनेज इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस एज अ सिस्टम कंट्रीब्यूट टू दी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अंडरस्टैंड, अच्छा, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, प्रोसेस अप्रोच। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस आइडेंटिफाइज। तो हम इसको सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट करते हैं लॉक। क्वेश्चन नंबर 18 है जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्रीड जेनेरिक प्रोडक्ट कैटेगरी एज पर ISO 9000। ठीक है जी, अभी हम इसको करते हैं लॉक। सॉफ्टवेयर ही हो सकता है, बाकी तो सारे लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं, प्रोडक्ट ही हो सकते हैं। अच्छा जी, साइकोलॉजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन से भी समझ आता है, पीपल भी समझ आते हैं, सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट भी समझ आता है, तो हमें ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन लेना चाहिए इसका। चलिए जी इसको कर देते हैं लॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इंक्लूडेड इन कैटेगरीज ऑफ डेबिंग प्राइस, डेबिंग एप्लीकेशन प्राइस, प्राइस ऑफ इंडिविजुअल, प्राइस ऑफ फैक्ट्री, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। ठीक है जी, ऑप्शन वन को हम कर देते हैं लॉक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 है, मैनेजर ए मैनेजर मस्ट परफॉर्म ऑल दी मैनेजमेंट फंक्शंस विद विच वन ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शंस। परफॉर्म करता है जी अश्योरेंस के साथ सारे फंक्शन, वो अश्योरेंस के साथ प्लानिंग भी करता है, ऑर्गेनाइजिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, सारे को अश्योरेंस से कर रहा होता है। तो हम इसको लॉक कर देते हैं, तो हम इसको कर देते हैं ए को लॉक। अच्छा जी, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन प्रिवेंशन कॉस्ट एक्सेप्ट प्रिवेंशन कॉस्ट, सप्लायर क्वालिटी सर्वे, मटेरियल रिव्यू भी करते हैं हम इस पे, न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन रिव्यू भी करते हैं, क्वालिटी प्लानिंग भी करते हैं, सप्लायर क्वालिटी सर्वे, क्वालिटी प्लानिंग। तो हम ऑप्शन लेते हैं जी ए एस का और इसको लॉक कर देते हैं। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फर्स्ट स्टेप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मीटिंग इन टू क्वालिटी मीटिंग्स। तो जी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग्स, के ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग आप कैसे हो कि आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टू क्वालिटी मीटिंग्स में, मैरिज टाइम कंटेंट डिग्रेशंस, मैरिज मैरिज पार्टिसिपेशंस। तो इसका ऑप्शन लेके जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मीटिंग और इसको आप कर देते हैं लॉक। अच्छा जी, बेस्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टडी इज अ कंसोर्शियम ऑफ द नेशनल स्टडी बॉडीज विच हैज हाउ मेनी कंट्रीज, लेस देन 90s, लेस देन 100, मोर देन 100, वो लेस देन 80s। तो हम इसका लेंगे जी मोर देन 100, तो सही हो गया जी, इसको कर देते हैं लॉक। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेबिक फिलासफी। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है जी, ये यूज़ करते हैं ज़्यादा सूटेबल है।
और इसको हम लॉक कर देते हैं। अच्छा जी, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग फैक्टर्स कैन चेंज दी पर्सनैलिटी एटीट्यूड? क्या चेंज नहीं कर सकते पर्सनैलिटी को जी? अवेयरनेस चेंज कर सकती है, अवार्ड्स, एक्शंस, एबिलिटीज। एबिलिटीज नहीं चेंज कर सकती। तो जी एबिलिटीज को लॉक कर देते हैं। और 27th क्वेश्चन है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटीज ऑफ कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल एक्सेप्ट। क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटीज कौन सी है जी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी आती है, अश्योर हो जाती है। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट रिसर्च, इंस्पेक्शन, सेल्स। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटीज इससे तो नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम कर देते हैं जी लॉक और आगे चलते हैं। अच्छा जी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी स्टेट्स दैट इम्प्रूवमेंट्स क्वालिटी लीड टू लोअर कॉस्ट बिकॉज ऑफ लेस रीवर्क एंड बेटर यूज ऑफ मटीरियल? अच्छा जी, ये किसने कहा था जी? डेबिंग चेन रिएक्शन ने कहा था। तो अब ये सीधा सीधा इसको लॉक कर देते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा जी, बाय द मिड 70s 1970s विच मार्केट्स वर पेनिट्रेटेड बाय द जैपनीज कंपनीज? तो जनाब इन्होंने वेस्टर्न मार्केट की थी, तो इसको लॉक कर देते हैं। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ ISO 9001? तो जो पहला ऑप्शन है वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है और बाकी उसने स्पेसिफाई कर दिए, तो रिक्वायरमेंट्स वाला ऑप्शन लेंगे क्योंकि 9001 जो है वो देखता है रिक्वायरमेंट्स को, रेफर करता है, तो हम इसको लॉक कर देते हैं। चलिए माशाल्लाह से क्विज ख़त्म हो गया है। कोरेक्शन के लिए आप इसके वीडियो का कमेंट सेक्शन देखा करें। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।